दोस्तों बेताब समाचार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कुछ खबरें। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई भीष्म शर्मा जी, हमारे विधानसभा में 1993 से पहली तीन बार के विधानसभा के साथी रहे हुए चौधरी मतीन अहमद जी, पूर्व विधायक वीर सिंह दिगान जी, विपिन शर्मा जी, चौधरी अजीत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व हमारे काउंसलर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सविता शर्मा जी, कुमारी रिंकू जी जो कॉरपोरेशन के अंदर कांग्रेस की, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब लोगों ने अपने खून से सींचा उस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, जिनकी वजह से, जिस पार्टी की वजह से आज देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, उस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को तो छठे रो के अंदर डाला गया। और जो आरएसएस, जिसने अंग्रेजों के साथ में मिल करके उस वक्त भारत के खिलाफ में जो गई, उस आरएसएस के लोग पहली पंक्ति के अंदर थे और कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष छठी पंक्ति में था। यह सबसे बड़ी खतरनाक बात है जिसको आज मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। यह खतरनाक क्यों? यह हमारे देश के अंदर फासिस्टवाद ताकतों का कब्जा होने की सबसे पहली निशानी है। वो राहुल गांधी जिसने गुजरात में जाकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाकों चने चपा दिए, वो राहुल गांधी को पहली पंक्ति के अंदर होना चाहिए था, कांग्रेस को पहली पंक्ति के अंदर होना चाहिए था। लेकिन ये सबके सब लोग इस बात से घबरा रहे हैं। आज मैं मोदी जी से कह देना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने, आपकी सरकार ने कांग्रेस के अध्यक्ष को पहली बार आजादी जिस कांग्रेस की वजह से मिली, पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पहली पंक्ति से आपने तो उठा करके, आपकी सरकार ने तो उठा करके छठी पंक्ति में डाल दिया। लेकिन जो भी चुनाव हमारे देश में अगली बार होगा, हमारे देश की जनता सूद समेत बदला लेगी और आपको उठा करके छठी नहीं दसवीं पंक्ति में डाल दिया जाएगा और राहुल गांधी आपकी जगह आकर के लाल किले से आगे आने वाले टाइम के अंदर प्रधानमंत्री बनकर के राहुल गांधी यहां से झंडा आगे से फहराएंगे। हमारे देश की जनता देखेगा किस कैसे सूद समेत आपका बदला उठाती है। आज हम लोग मोदी जी से पूछते हैं कि मोदी जी जब सरकार में आए थे 2014 में क्या कहकर के आए थे? कहा था बेरोजगारी दूर हो जाएगी, कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। मैं हर मीटिंग सुबह से शाम तक जब जाता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं, आप हाथ खड़ा करके एक आदमी बता दे जिसको सरकार की वजह से नौकरी मिली हो, एक आदमी बता दे। मुझे आज तक कोई एक आदमी नहीं मिला जिसको नौकरी सरकार की वजह से मिली। लेकिन मैं जब जाता हूं, मैं पूछता हूं कि आप लोग बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी रेहड़ी पटरी पुलिस ने पिछले 3 वर्ष के अंदर उजाड़ दिया। अब जब मैं पूछता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका सीलिंग की वजह से दुकान बंद हो गई, पिछले 2 महीने के अंदर लाखों लोग दिल्ली के अंदर बेरोजगार हो गए, हाथ खड़ा करके लोग कहते हैं कि हमारे को नुकसान हुआ, हम बेरोजगार हुए हैं। तो ये रोजगार देने की जगह आज ये सरकार हमारे को बेरोजगार कर रही है। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि आप रोजगार देने की बात करते थे, कहां है रोजगार? तो नरेंद्र मोदी कहते हैं ये पकोड़े बेचने वाला, पकोड़े तलने वाला, रोजगार भी तो हमने दिया। तो क्या ये रोजगार है जो रेड़ी पट्टी को उजाड़ा जा रहा है? आज पढ़े लिखे लोगों को किस तरीके से उजाड़ा जा रहा है? महंगाई की बात ये लोग करके आए थे। मतीन जी ने बड़ी अच्छी बात कही, आज रसोई गैस 850 रुपए के करीब रसोई गैस मिल रही है, कांग्रेस के समय पे 400 रुपए था। पेट्रोल आगे आने वाले समय में आप अपने स्कूटरों में डलवाते हो, पेट्रोल 80 रुपए टच करने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय खुदरा तेल का मूल्य कम हो रहा है और पेट्रोल का हमारी देश के अंदर ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों?
क्योंकि सिर्फ ये अडानी और अंबानियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आज हम लोगों की, गरीब लोगों के, मध्यम वर्गीय लोगों की जेब से पैसा निकल करके इनके धनाढ्य मित्र पूंजीपति अडानी अंबानियों की जेब के अंदर पैसा जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की देन है, ये भाजपा की देन है, जिसको हमको समझने की जरूरत है। साथियों, हमारी दिल्ली के अंदर हालात और खराब हो रहे। ये मेट्रो की लाइन आप देख रहे हैं, ये मेट्रो की लाइन केंद्र सरकार ने 700-800 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। हमारे टाइम में 400 रुपए का सिलेंडर आ रहा था और फिर भी तुम झाड़ू लेकर घूमते नहीं। आपने देखा नहीं, झाड़ू फेर दी दिल्ली में आपने। बिजली का बिल की बात कर रहे, पानी के बिल की बात कर रहे, पानी का बिल हम तो लेते ही नहीं थे। वो तो 20,000 लीटर की बात कर रहे, हमारे में तो 1,00,000 लीटर भी किसी ने इस्तेमाल कर लिया, पूछा ही नहीं। बताओ, कभी नगर वालों का मीटर लगे हुए थे, कौन आता था बिल लेने के लिए? बिजली वालों ने जीना हराम कर रखा है। सुबह पांच छह बजे बिजली वाले गलियों में आ जाते हैं पुलिस लेके। हमारे टाइम में हिम्मत नहीं होती थी बिजली वालों के गलियों में आ जाए। आज लोगों का जीना हराम कर रखा, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए के बिल बना रहे हैं वो, और लोग, गरीब आदमी परेशान है। मैं तो कहता हूँ, छोटा मोटा कोई रात बिरात में कर ले तो वो भी बंद हो गया नहीं हो गया, मुझे बताओ मिला क्या। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं और भारत माँ की जय बोलते हैं, वो भारत माँ की जय नहीं बोल रहे, वो इस मुल्क के दुश्मन है। जो आज भी आपस में लड़वाएगा, वफादार है या गद्दार? बताओ आप, जो नफरत फैलाएगा वो वफादार है गद्दार? जो 100 में 200 ग्राम तोलेगा वो वफादार है गद्दार? और सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त वही जिन्होंने देश आजाद कराया, वो गद्दार हो गए। और जो अंग्रेजों की जासूसी कर रहे थे वो वफादार हो गए। भारत माता की जय। दिन भर यही काम और कोई काम नहीं, लूट लो, मार लो, पीट दो, जो उल्टे सीधे काम हो सकते हैं सारे उस काम में लगे हैं। इस देश को जितना नुकसान मोदी जी ने पहुंचाया और केजरीवाल ने दिल्ली को पहुंचाया, आज तक कोई नहीं पहुंचा पाया। हर मोर्चे पे हम फेल रहे हैं, कोई मोर्चा ऐसा नहीं है जिस पे हम कामयाब रहे हों। चाहे पाकिस्तान की बॉर्डर हो, चाहे चाइना की बॉर्डर हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे सीलिंग का मामला हो, चाहे GST का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, सारा पैसा लूट लिया इन्होंने। हमारे पास पैसे नहीं रहे, जेब भरी रहती थी जब कांग्रेस का राज था, अब जेब खाली है सबकी। बताओ कहाँ है पैसे? सारे मोदी जी के चमचों ने भर लिए अपने, हमारे पैसे छीन गए। तो मैं तो यही अपील करूंगा, आने वाले टाइम में कांग्रेस को मजबूत करो। कांग्रेस मजबूत होगी तो देश में खुशहाली आएगी। अगर हमारे पास पैसे होंगे तो आपकी जेब में भी पैसे होंगे। आज इनकी जेब में तो पैसे हैं, आपकी जेब में पैसे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चौसाब। हमारे आज हर एक आदमी दिल्ली में तरह तरह मची हुई है। पहले नोटबंदी से लोग परेशान हुए, फिर GST लागू हो गया उससे परेशान हुए, फिर अभी उसकी कमर टूटी हुई, सीधी भी नहीं हुई थी के ऊपर से आज आपको पता ही है कि उस सीलिंग का कितना बड़ा दौर चल रहा है। दोनों के दोनों, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और केजरीवाल साहब दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और दोनों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि सीलिंग नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा पीछे भी सीलिंग हुई थी, सीलिंग का दौर चला था, 2-4 दिन सीलिंग हुई और दिल्ली में एक अध्यादेश लाकर केंद्र की सरकार ने